बेटा अभी इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ फॉर्मुलेस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जो फॉर्मुलेस है मैं उसको लेके आया हूँ, ठीक है। जो गेट के एग्जाम पास आते जा रहे हैं तो क्या होगा इसमें, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग के फॉर्मुले डेली बेसिस पे आपको लेके आऊंगा, जिसमें 5-6 फॉर्मुले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ज्यादा फॉर्मुले मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका क्विक रिविजन बना रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट का क्विक रिविजन भी बना रहेगा, ठीक है, और आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो 3 या 4 मिनट की वीडियो होंगी, ठीक है, उसमें मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा जो आपके पैरामीटर्स आपको लिए गए हैं उसमें फॉर्मुलेस में, तो उनको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा जो आपके डायग्राम वगैरह उनके थ्रू, ठीक है। तो मैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग से स्टार्ट करता हूँ। पहले ऑर्थोगोनल मशीनिंग में आपका क्या है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। इससे क्या है, सारे पैरामीटर्स आपको मैं बता देता हूँ, कौन कौन से पैरामीटर्स क्या है जिसके थ्रू आपके ये फॉर्मुलेस ड्राइव हुए, ठीक है। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मुले बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें आपका क्या है, ये आपका एक वर्कपीस है जिसको क्या होना है, मशीन होना है, ठीक है, मशीन होना है। तो उसमें क्या आपका एक टूल है, ठीक है, टूल लिया है, इसमें ऑर्थोगोनल मशीनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, एक टूल है, और ये वाला जो पार्ट है जो वो है मशीन पार्ट, यानी कि जो पार्ट कट चुका है, ठीक है, दैट इज योर मशीन पार्ट, और जो ये पार्ट है दैट इज जो मशीन होना बाकी है, ठीक है। ये आपका टूल है, देखो वर्क पीस है, तो उसकी जो लेंथ है दैट इज L1, जिसकी जो आपकी जो चिप कट चुकी है, यानी कि जो आपकी मशीन सर्विस कट चुका है, जो आपका वर्क पीस का पार्ट कट चुका है, उसमें से क्या होगा, चिप रिलीज होगी, तो चिप की थिकनेस जो आपकी है दैट इज T2, और जो चिप कटनी बाकी है, जो आपका वर्क पीस कटना बाकी है दैट इज अनकट चिप थिकनेस दैट इज T1, ठीक है। और ये जो आपकी वेलोसिटी है अलोंग द, जो चिप की वेलोसिटी है अलोंग द टूल दैट इज VF, ठीक है, जो चिप वेलोसिटी अलोंग टूल है दैट इज VF, और जो कटिंग वेलोसिटी है दैट इज VC, और एक जो प्लेन होता है शेयर प्लेन, उसपे जो वेलोसिटी है चिप की, दैट वेलोसिटी ऑफ चिप अलोंग शेयर प्लेन दैट इज VS, इन दोनों में आप ध्यान दीजिए। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसमें पूछ लेते हैं चिप वेलोसिटी अलोंग शेयर प्लेन दैट इज VL, चिप वेलोसिटी अलोंग टूल दैट इज VF, और डायरेक्ट अगर आपसे चिप वेलोसिटी पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, VL निकालना है, चिप वेलोसिटी अलोंग टूल, ठीक है। ये फाई जो एंगल है दैट इज शेयर प्लेन एंगल, ठीक है, जो आपका फाई है दैट इज शेयर प्लेन एंगल, तो सारे फॉर्म। और ये अल्फा जो आपका है, अल्फा डेट इज योर रेक एंगल और बैक रेक एंगल, ठीक है, जो आपका नॉर्मल और आपके टूल पीस के से आपके के साथ जो एंगल बना है डेट इज योर रेक एंगल, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज योर चिप रेशियो। चिप रेशियो क्या होता है, चिप रेशियो को आप कई तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज आपको गिवन होगी उस बेसिस पे आप लोग फाइंड कीजिए। देखिए अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस यानी कि जो आपका अनकट चिप थिकनेस है और जो चिप थिकनेस है दैट इज अनकट चिप थिकनेस और चिप थिकनेस का रेशियो दैट इज योर चिप रेशियो, ठीक है। सेकंड हम किस तरीके से लिख सकते हैं, L2/L1 यानी कि जो चिप थिकनेस चिप लेंथ है, जो चिप कट चुकी है उसकी लेंथ है और जो अनकट चिप लेंथ है उसका रेशियो क्या होगा आपका, दैट इज योर चिप रेशियो। अगर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो वेलोसिटी अलोंग द वेलोसिटी ऑफ चिप अलोंग द टूल डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी, और आप कह सकते हो टूल वेलोसिटी कटिंग टूल वेलोसिटी दैट इज उसका रेशियो क्या होगा आपका, चिप रेशियो होगा, ठीक है। चिप रेशियो को एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर हमें फाई बताओ यानी कि शेयर प्लेन एंगल मालूम हो और हमें रेक एंगल मालूम हो तो क्या कर सकते हैं, साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ फाई माइनस अल्फा से भी चिप रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको उस बेसिस पे यूज करने हैं जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन हो, जो पैरामीटर्स आपको गिवन हो उस बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर शेयर एंगल निकालना है आपको, शेयर प्लेन एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 - R sin अल्फा दैट इज चिप रेशियो, ठीक है। और टेन फाई निकाल सकते हैं तो टेन इनवर्स करके हम लोग फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गामा, गामा क्या है आपका, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन यानी कि जो आपका शेयर प्लेन पे स्ट्रेन आ रहा है, जो आपका शेयर फोर्स की वजह से स्ट्रेन आएगा इस पे, तो उसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉट ऑफ फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ये इसमें एक बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि जो शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन की मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है और कितनी हो सकती है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 2 हो सकती है। कब होगी, जब अगर आपके रेक एंगल जीरो और फाई की वैल्यू क्या हो, 45 डिग्री हो, यानी कि जो शेयर एंगल है वो 45 डिग्री हो और जो 2
टू लो वो क्या हो परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ वाई पीस, तो उस बेसिस पे आपका क्या हो सकता है सीएस चेन टू होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी टू होगी उसकी, ठीक है। आप वैल्यूज पुट करके दे सकते हो तो वैल्यू क्या आएगी टू आएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अलोंग दी वेलोसिटी ऑफ चिप अलोंग शेयर प्लेन डिवाइडेड बाय द थिकनेस ऑफ द शेयर जोन, ठीक है। जो आपका शेयर जोन होता है उसका थिकनेस और वेलोसिटी का रेशियो दैट इज योर शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या होता है कभी कभी क्या होता है शेयर स्ट्रेस पूछ लेते हैं, तो शेयर स्ट्रेस के लिए क्या होता है एफ एस आपको मालूम होना चाहिए, शेयर सॉरी शेयर फोर्स मालूम होना चाहिए, तो वो फॉर्मूले में बाद में बताऊंगा शेयर फोर्स के, तो डिवाइडेड बाय शेयर एरिया। तो शेयर एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, शेयर एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है जो विथ है, यानी कि अगर मैं इसको थ्री डी के फॉर्म में लिखूं तो ये जो डायरेक्शन में विथ होगी आपकी डब्ल्यू दैट इज योर वर्क पीस की जो विथ है इंटू टी वन अनकट चिप थिकनेस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ फाइव दैट इज योर शेयर एरिया, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं शेयर एरिया निकाल सकते हैं। इस देखिए अब ये चिप रेशियो का जो फॉर्मूला है इससे एक चीज और होती है, जो आपकी आर की वैल्यू होती है यानी कि चिप रेशियो की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है वन से लेस होती है, तो इससे क्या पता कर सकते हैं कि जो टी टू है वो हमेशा क्या होता है टी वन से बड़ा होता है, और जो एल वन है वो भी क्या होगा एल टू से बड़ा होगा, और जो कटिंग वेलोसिटी है वो बी एस से बड़ी होगी, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस मैं छह फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब किया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा जो फोर्सेस लगते हैं जो वेलोसिटीज है उनके बीच में जो रिलेशन है मैं उसको लेके आऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए किस तरीके के फॉर्मूले आपको डिस्क्राइब करने